अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर है और एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते थे तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरत और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाटा AIG जैसी बड़ी कंपनी के पार्ट टाइम कस्टमर सर्विस रोल के बारे में। मैं आपसे डिस्कस करूंगा जॉब के सारे डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, इंटरव्यू क्वेश्चंस और फिर आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसके इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप के सेल्स, मार्केटिंग या BPO जॉब रोल्स की इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा ऐप एबल जॉब डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या फिर आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी ऐप के साथ आप एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर पाएंगे, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब के कुछ डिटेल्स के बारे में कि आपको एग्जैक्टली करना होगा इस जॉब में। तो यहां पर आपको जो इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स हैं, मतलब जो आपको कॉल्स आ रही हैं और आपको करनी भी होंगी, उन सबको आपको हैंडल करना होगा 5 घंटे के लिए। तो यहां पर आपकी कोई 10 घंटे या 12 घंटे की कमिटमेंट नहीं है। दिन में आपको जो है सिर्फ 5 घंटे इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स को हैंडल करना होगा। जो भी कस्टमर्स आपको फोन कर रहे हैं या आप उनको फोन कर रहे हो, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको समझनी होंगी और रेलेवेंट सॉल्यूशंस और आंसर्स उनको प्रोवाइड करने होंगे। इसके साथ साथ जो भी कस्टमर डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो कस्टमर के ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन देयर एज या फिर जेंडर, लोकेशन, इन सबको आपको जो है कैप्चर करना होगा और उनको मेंटेन भी करना होगा। यहां पर जॉब की लोकेशन है वर्क फ्रॉम होम, तो आप किसी भी सिटी में हो ऑल ओवर इंडिया आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो सब बात करते हैं सैलरी की जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस जॉब में। यहां पर 90,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज प्रिटी रिस्पेक्टेबल कंसिडरिंग कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या कंडीशन आपको यहां पर फुलफिल करनी होंगी अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है शिफ्ट्स में वर्क करने में कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है एक फिक्स टाइम है, यहाँ पर आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है, तो आप जो है उस चीज़ से जो है कंफर्टेबल होने चाहिए हो। इसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो यहाँ पर बहुत मैटर करती हैं, इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज में। तो एज लॉन्ग एज आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो आपको इस जॉब के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक सैम्पल लिस्ट बनाई है, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या फिर सिमिलर क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको जो है अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे आप जो है अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, अपने कॉलेज के बारे में बता सकते हो, अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बता सकते हो, तो काफ़ी सिंपली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इसके बाद वो आपसे कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जस्ट टू चेक कि आप जो है क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हो, आपको कंपनी की नॉलेज है या नहीं। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन टाटा AIG, तो यहाँ पर आप बताओगे कि टाटा AIG इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, उनका 74% स्टेक है, आपको जो है सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, आपका इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप ये सब यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय टाटा AIG, तो यहाँ पर वो अगेन यही चेक करना चाह रहे हैं कि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ पर आप बताओ कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो जितने भी टाइप की सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर वो आपसे कुछ जनरल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कैन यू मल्टीटास्क वेल कम्युनिकेटिंग ऑन द कॉल एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर वो बस यही चेक करना चाह रहे हैं कि आप जो है जॉब की कुछ रियल लाइफ सिचुएशन है, जैसे आपको कुछ कॉल आया हुआ है पर उसके साथ साथ आपको कुछ टाइप करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट आगे भेजना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो वो आप जो है ईजिली कर पाओगे या नहीं, वही आपसे वो जानना चाहते हैं। एंड लास्टली वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस, जस्ट टू चेक कि आपको जो है इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज है या नहीं है, आपने जो अपनी रिसर्च करी है या नहीं है। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि टाटा AIG में जो सर्विसेज ऑफर होती हैं जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, तो वही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो जो भी डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंसेज होती हैं। दोस्तों, आप फाइनली बात करते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो और इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है एबल जॉब, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और इस पर अपना अकाउंट बना लेंगे, आपको हमारे ऐप का मेन स्क्रीन दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे एक सेक्शन है विद द नेम ऑफ जॉब्स, यहाँ पर आप जाते ही जैसे ही टाटा सर्च करेंगे सबसे पहला सर्च रिजल्ट ही आपको दिख जाएगा, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव टाटा AIG। आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है प्रिपेयर और एक है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो इस क्लिक हेयर टू अप्लाई लिंक पर जाकर आप अपनी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आप वो कर लें आप जो है हमारी ऐप पर वापस आएँ और इस प्रिपेयर के बटन को दबा दें। यहाँ पर आप ये हमारी ऐप आपको लेकर जाएगी कस्टमर सपोर्ट वॉइस के हमारे कोर्स पर, एकदम फ्री कोर्स है,
आपको इसको स्टार्ट करने के लिए नीचे सिर्फ जो है स्टार्ट नाउ का बटन दबाना है, या आपसे पूछा गया कि आपको इंटरव्यू की डेट पता है या नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पता इवन दैट इज़ फाइन। तो आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आपको कुछ कोर्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, एंड वंस यू कंप्लीट ऑल द सेक्शंस यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट लर्निंग। दोस्तों आई होप आपको आज के वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है आप उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसका जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।